गुज़िश्ता 2 महीने से कश्मीर में मौसम खुश्क रहने के बाद अब मौसम करवट ले रहा है। इससे मुतलिक जानकारी हासिल करने के लिए हम महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते मौसम में क्या तब्दीली आ सकती है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइन में, और हमें बताइए कि अगले हफ्ते मौसम का क्या हाल रहेगा। अभी देखो, आपका एक जो ड्राई स्पेल चल रहा है, एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल, वो लास्ट 55 डे से चल रहा है। आपको कहीं ना कहीं टूटने के आसार लग रहे हैं, और कल खासकर दोपहर से जो है मौसम अबरालूत होना शुरू हो जाएगा, और कल खासकर लेट इवनिंग या नाइट के बीच में एक स्पेल होगा हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। फिर इसी तरह 26 को भी अर्ली मॉर्निंग बारिशों के चांसेस हैं यहाँ मैदानी इलाकों में, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। फिर 26 खासकर लेट आफ्टरनून से मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा, और 27 को भी मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस है। 27 शाम को जो है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। फिर 28-29 के बीच में एक मेजर स्पेल है जिसमें लाइट मॉडरेट स्नोफॉल अक्रॉस हायर ईस्ट में, और उसके बाद लोअर ईस्ट में भी आपके लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी जो प्लेन्स हैं कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी श्रीनगर में जॉइनिंग एरियाज में बारिशें का इम्कान है। इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में रहेंगे 28-29 के दरमियान, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर भी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर 28-29 के दरमियान। और इसी तरह सिमिलर स्पेल जो आपका 30-31 के बीच में भी होगा, और फर्स्ट को भी जो है एक स्पेल पे चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो आपका एक एक्सटेंडेड टाइप का वेट स्पेल है, कोई कंटिन्यूस स्नोफॉल या प्रेसिपिटेशन नहीं है, इंटरमीटेंटली हर दूसरे दिन जो है आपका मार्च में बर्फबारी जो एक बार जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगी। सर, आपने एडवाइजरी भी जारी किए हैं कि जो हाई रीजेस में हमारे रोड्स हैं जैसे सेंटन टॉप है या मगल रोड है, वो मतलब उसमें चांसेस लैंडस्लाइड्स के हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सर बताइए। जी, अभी देखो बर्फबारी जो मेजर स्पेल अभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जोजिला खुला है आपका, जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, इसी तरह मोगल रोड खुला है, और इसी तरह आपका जो सिंथन टॉप जो पहाड़ी इलाकों के जितने भी शहर हैं ये सारे खुले हैं अभी तक, क्योंकि बर्फबारी कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में लोगों को एडवाइस करते हैं कि अब मौसम करवट ले रहा है ताकि इनको कोई किसी भी किस्म का इनकन्वीनियंस ना हो, वो अपना ट्रैवल प्लान वगैरह अकॉर्डिंगली प्लान करें मौसम को देखते हुए, और खासकर 28 से लेके 1 फरवरी के दरमियान जो है ये शाहराहें जो है बंद हो सकती हैं ट्रैफिक के लिए, तो अपना जो ट्रैवल प्लान है वो अकॉर्डिंगली जो है वो वेदर के हिसाब से रखें। और बाकी कुछ एक जगहों पे आपको स्नोफॉल थोड़ा सा एवलांच के भी चांसेस रहते हैं खासकर 1 फरवरी के बाद, तो जो पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं उनको भी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपका बर्फबारी के बाद खासकर फरवरी में जो है एडवांस के चांस हमेशा रहते हैं। तो इन जगहों पर भी आपको खासकर जो दूर दराज के बाला इलाके हैं वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रहना पड़ेगा खासकर 1 फरवरी के बाद। सर, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया सर, थैंक यू।